क्या अब भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि बात बपौती तक पहुंच गई है। आप समझ सकते हैं कि ये तल्खियां कहां हैं और किस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तैयार है और चल रही है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 17 सालों से यही चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामसूरत राय प्रकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब रामसूरत राय से मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप इस पर अब क्या कहेंगे, क्योंकि आपके विभाग और आप पर भी आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी की बपौती नहीं है और न किसी के वंशावली के आधार पर ये सब कुछ होता है। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए, उसके बाद बताते हैं आगे की बात। विपक्ष का काम ही है बुराई पकड़ना, शिकायत बतियाना, गाली बकना। विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है, इसीलिए विपक्ष के बातों में मुझे कुछ नहीं कहना है। विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करती है, सरकार में हम हैं, सरकार के अंग हैं, सरकार की जो व्यवस्था कानून है उसको पालन और धर्म पालन करना मेरा धर्म है। मेरे मन में भावना ठेस पहुँचा है, नो डाउट, कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूँ, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूँ। मैं महीना को सही माने में बता दूं, 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूं, चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो। और जिस जिले में भी जाता हूं तो मैं सोशल मीडिया पर सभी विधायकों को मैसेज देता हूं, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं, उसमें अगर जनता के आवाज़ के द्वारा, विभाग का ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीईओ कोई कर्मचारी गलत कर रहा है, तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूँ कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे तो समय पर तुमको ट्रांसफ़र भी कर देंगे। तो कहीं वैसे भी लोगों का भी ट्रांसफ़र होता है, कहीं ऐसे परेशानियाँ होती है जहाँ पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूँ, फ़ोन जाता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है। मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूँगा, विभाग का काम करूँगा, जनता अपना सोचे अपना समझे, मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूँ, चलाते रहूँगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन मिलता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है, तो राजनीति किसी का प्रश्न कुर्सी नहीं है, राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा और प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाएं। इतना सब कुछ बोलने के बाद रामसूरत राय को जब इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए विशेष परिस्थिति में अपना निर्णय ले सकते हैं, रामसूरत राय ने इसके बाद जो बातें कहीं वो बातें भी काफ़ी तल्ख हैं। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, या जिस जगह पर हों, जिस पद पर हों, वो अपना काम बखूबी निभाना जानते हैं और इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से ये बयान दिया गया था कि किसी भी एमपी एमएलए और एमएलसी के कहने पर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, इस पर भी रामसूरत राय ने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश के अनुसार ही होता है। उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है कि मंत्रियों के और विधायक एमएलए एमएलसी और एमपी के जो सुझाव हैं, जो उनका आग्रह है, जो उनका अनुशंसा है, उस अनुशंसा पर भी ध्यान दिया जाए। इन सारी बातों पर जब सवाल पूछा गया तो रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा और किस अंदाज में कहा, आप खुद सुनिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।